सबसे पहले तो जितने भी हमारे गणेश भगवान के भक्त लोग हैं, सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और सब लोग के हम अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करते नहीं। और पहली बार हमारे घर पे गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और बप्पा का सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो बस लगे हुए हैं बप्पा अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए, हम छोटे से ही पूजा पाठ में मेरा मन लगा रहता है। जब भी काम से फुर्सत मिलता है तो मैं हमेशा अपने माता पिता के साथ, पूरे परिवार के साथ कहीं ना कहीं पे धाम पे ज़रूर जाता हूँ। और बनारस में रहता हूँ तो हमेशा मेरी माता जी भी हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है, तो पूजा पाठ में तो शुरू से ही मन था। लेकिन बॉम्बे में जब मैं पिछली बार सबके घर पर गया और देखा कि जैसे हम लोग के गाँव की तरफ सरस्वती माता, दुर्गा माता का लोग पंडाल बना के रखते हैं, यहाँ पर वैसे बॉम्बे में गणपति बप्पा का लोग सेवा कर रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ और पापा जी ने बोला कि चलो अगले साल हम लोग भी रखेंगे। तो सौभाग्य मिला और बप्पा, मैंने सोचा और बप्पा आ भी गए, तो ये सब इन्हीं की कृपा है। ये नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम यही चाहेंगे, सब लोग अपने लिए मांगते हैं, अपने पूरे परिवार के लिए मांगते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में हमेशा सुख शांति रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अशांति फैलाने के चक्कर में रहते हैं, तो उन लोग का दिमाग बदले और हमारे देश को कोई भी कुछ भी, जैसे कोई भी आतंकवाद हमला कर देता है तो कभी ये तो कभी वो, तो वो लोग ना करें। हमेशा हमारा देश जो इंडिया है हमेशा सुख शांति रहे, हमेशा खुश रहे। और अभी जो बिहार में बाढ़ आई है, बप्पा उसको जल्दी से दूर करें और सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हों, हमेशा अपने घर पर वापसी हो और खुश रहें। Planet Bhojpuri.